हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पन धाकड़ स्वागत करता हूं आपका धाकड़ एकेडमी में। इस वीडियो में हम कंजक्शन सीरीज में आगे बढ़ेंगे और हम यूज पढ़ेंगे शो डैश 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 दैट का, शो डैश 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 दैट का, या फिर टू टी डबल ओ टू डैश 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 टू टी ओ टू का। चूंकि ये दोनों को मैं साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों का सेम यूज होता है, बस सेंटेंस फॉर्मेशन का सिस्टम थोड़ा अलग होता है। आपको बता दूं कि सेंटेंस जो बनते हैं वो अकॉर्डिंग टू टेंस बनते हैं, बस वहां पर पुट करते हैं और कुछ भी नहीं करते। जैसे इस तरह के सेंटेंस आए, वो इतना बुद्धिमान है तभी तो उसने टॉप किया है, वो इतना बुद्धिमान है तभी तो उसने टॉप किया है, तो इसको कैसे बोलेंगे? ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही टॉप इन एग्जाम। अगर आप एग्जाम की बात करो तो इन एग्जाम कह सकते हो। समझ में आई बात? सो डेड डेड डैश का मतलब ना कि, इतना कि, जैसे वो इतनी खूबसूरत है तभी तो लोग उसको प्यार करते हैं, या वो इतनी खूबसूरत है कि लोग उसको प्यार करते हैं। तो शी इज सो ब्यूटीफुल, सी इज सो ब्यूटीफुल दैट एवरीवन लव्स हर, दैट एवरीवन लव्स हर। वो इतनी अच्छी है कि उसको सब लोग पसंद करते हैं, या फिर वो इतनी सुंदर है कि वो सब लोग उसको पसंद करते हैं, तो क्या बोलेंगे? सी इज सो ब्यूटीफुल दैट एवरीवन लव्स हर। इस तरीके से आप सो डैश 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 दैट का यूज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में क्या पॉजिटिव की बात हो रही है, लेकिन एक सेंटेंस पॉजिटिव एक सेंटेंस नेगेटिव हो, तो इस तरह की चीजें होती है, वहां पर हम सो डैश 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 दैट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पर आप टू डैश 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 टू का यूज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं, अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वो इतना कमजोर है कि वो चल ही नहीं सकता, वो इतना कमजोर है कि वो चल ही नहीं सकता, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वो इतना कमजोर है कि वो चल ही नहीं सकता, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब इसको आप टू डेड डेड डैश टू में बोलेंगे तो ये ज्यादा इंप्रेसिव लगेगा और ज्यादा सही लगेगा कि ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक, इस तरह से बोला जाता है। जनरली स्पोकन इंग्लिश में आपने किसी सुना होगा टू डैश डेड डैश टू का ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि ही इज टू वीक टू वॉक, तो यहाँ पर हम समझ नहीं पाते क्या लाइन हो गई। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके जब नेगेटिव की बात हो रही हो तो आप जहां पर टू डेड डेड डैश टू का यूज करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। वो इतना थका हुआ है कि वो कोई भी काम नहीं कर सकता, वो इतना थका हुआ है कि वो कोई भी काम नहीं कर सकता, तो ही इज टू टायर्ड टू डू एनी वर्क, ही इज टू टायर्ड टू डू एनी वर्क। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप टू डैश डैश टू का और सो डैश डैश दैट का यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो गाइज इसको जरूर आप ध्यान में रखें और बार बार प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो आपको वो चीज समझ में आएगी। अब हम आते हैं आगे, एज सून एज अलग नहीं है, साथ में ही, एज सून एज मतलब होता है जैसे ही, क्या होता है? जैसे ही, जब भी हम किसी सेंटेंस से बात कर रहे हो जैसे ही की, क्या कर रहे हो? जैसे ही, तो वहां पर हम एज सून एज का यूज करेंगे। जैसे जैसे ही नेट ऑन हुआ मैंने यूट्यूब चलाया था, जैसे ही नेट ऑन हुआ था मैंने यूट्यूब चलाया था, तो एज सून एज नेट वर्क्ड आई प्लेड यूट्यूब, एज सून एज द नेट वर्क्ड आई प्लेड YouTube, मतलब इसमें कुछ नहीं होता। एज सून एज सबसे पहले लगाएंगे आप, फिर इसके बाद पूरा सेंटेंस बोलेंगे और दूसरा सेंटेंस बोलेंगे। एज सून एज नेट वर्क्ड आई प्लेड यूट्यूब, आई प्लेड यूट्यूब, जैसे ही ट्रेन आई मैं स्टेशन पहुंच गया था, जैसे ही ट्रेन आई थी मैं स्टेशन पहुंच गया था, तो एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड, एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड आई रीच्ड स्टेशन, आई रीच रेलवे स्टेशन या आई रीच स्टेशन। तो गाइज इसी के साथ आप एज सून एज का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका है एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज क्या होगा आपका? जब तक, एज सून एज का मतलब था जैसे ही और एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। समझ में आ रही बात? एज लॉन्ग एज, जब तक उसने खाना खाया मैं बाहर चला गया था, जब तक उसने खाना खाया मैं बाहर चला गया था, एज लॉन्ग एज ही टुक फूड आई वेंट आउटसाइड, I went outside. As long as he took food, I went outside. जब तक वो मीटिंग में था उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, जब तक वो मीटिंग में था उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, As long as he was in meeting, as long as he was in meeting, the mobile switched off, the mobile switched off. समझ में आया आपको एज लॉन्ग एज का मतलब? अब इसी के साथ आपका जो कंजक्शन का जो आईएमपी और जरूरी है जो हमें बेसिक इंग्लिश में और स्पोकन टर्म्स में हम यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो होप यू गाइस आपको कंजक्शन बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे और आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे। टेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, टेंस इसलिए जरूर से जरूर रिवाइज करें और अपने ये कोर्स अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंडेड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।